तो देखिए अब हम लोग को देखना है आईटीआर की जो एक्सएमएल की फाइल उसे अपलोड करना सीखना है। तो अपलोड करने के लिए देखिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, फिर से मैं इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की होम पेज पे पहुंच जाता हूँ। नीचे कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना होना चाहिए, और यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास अपना पैन नंबर होना चाहिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको पास पैन नंबर है तो बस न्यू रजिस्टर पे जाइए, क्लिक करिए, अपना पैन नंबर डालिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना पासवर्ड बना लीजिए जैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हो, देन आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे मैं अपना ओरिजिनल आईडी मैं डाउनलोड मैं कर देता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल आईडी है तो मैं अपना इसमें यूज कर ले रहा हूँ। पासवर्ड मैं जाहिर सी बात है नहीं बताऊंगा क्यों सर। तुम लोग अपना रजिस्टर कर लेना, सबके पास पैन है ना, सब लोग अपना रजिस्टर कर लेना, या किसी का पैन हो तो बताना, अभी अभी रजिस्टर करके आपको दिखा भी दूंगा। सर मेरा है। चलिए ठीक है, आपका अभी बना देता हूँ। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे सर एक बार बनाकर दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बना के दिखा देंगे, फिलहाल तो अपलोड करके मैं दिखा दूंगा। ये देखिए लॉगिन हो गया। ओके ये मेरा नाम आ रहा है, डिटेल्स, लास्ट कब लॉगिन किया था मैंने, अगस्त 2019 में लॉगिन किया था। 45 मिनट का सेशन चलता है ये, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर जाएगा फॉर सेफ्टी पर्पस, सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे सीधे लिखा है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर आप यहाँ से भी इनकम टैक्स रिटर्न पे यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और व्यू रिटर्न्स का मतलब आप देखना चाहते हो अभी तक कितना रिटर्न फाइल किया गया, तो इस पे व्यू पे क्लिक करोगे। जैसे व्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखना है सेलेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न, मुझे देखना है तो मैं अपना पूरा इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर सकता हूँ कितना मैंने रिटर्न फाइल किया है, ठीक है। तो करीबन 16-17 से रिटर्न फाइल किया जा रहा है, ठीक। और सबका देखो आईटीआर प्रोसेस्ड है, सब 139 की सब सेक्शन 1 में है, यानी बिफोर ड्यू डेट फाइल किया गया है। और अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या डिटेल्स फिल की गई है तो इस पर बस क्लिक करिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे yes, sir. हाँ इनकम टैक्स रिटर्न पे हम लोग वापस क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर रहे हैं, अब बोलता है असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर जैसे 1920 का हम लोग को रिटर्न फाइल करना है। आईटीआर फॉर्म नंबर, कौन सा आईटीआर फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, तो आईटीआर 1 सबमिट करने जा रहे हैं। फाइलिंग टाइप कौन सा टाइप है, ओरिजिनल है रिवाइज्ड है, ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हालांकि रिटर्न तो फाइल हो ही चुका है मेरा। प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करना चाहते हैं कि अपलोड एक्सएमएल, तो हमें अपलोड एक्सएमएल करना है। अपलोड एक्सएमएल पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहा है क्या, सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो ऑप्शन। अब यही आपको समझना है आपको, अब इसमें पहला जो होता है, सॉरी पहला जो होता है आधार ओटीपी, इसमें क्या होता है आपका मोबाइल पे एक ओटीपी जनरेट होगी, देन आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। दूसरा होता है ऑलरेडी जनरेटेड ईवीसी थ्रू माई अकाउंट जनरेट ईवीसी ऑप्शन बैंक एटीएम, यानी बैंक के थ्रू अगर आपका ईवीसी जनरेट हो रहा है। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर, प्लीज रिमाइंड मी, बाद में हम ई वेरीफाई करेंगे, अभी से सबमिट करना चाहते हैं, ई वेरीफाई हम बाद में करना चाहते हैं, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक तरीके से करेंगे। या फिर लास्ट ये तरीका जो आप लोगों को बताया था आई टी आर वी वाला, आई डोंट वॉन्ट टू ई वेरीफाई दिस इनकम टैक्स रिटर्न, वुड लाइक टू सेंड, मैं आई टी आर वी भेजूंगा जो जनरेट कर होगा लास्ट पे इस ऑफिस पे। इसमें मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर, है ना। जैसे मैं क्लिक करूँगा सब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखो आई एग्री पे क्लिक कर रहे हैं, आई एग्री कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं अब बोल रहा है अटैच एक्सएमएल फाइल, तो मैं वो एक्सएमएल फाइल अटैच कर देता हूँ। तो एक्सएमएल फाइल डेस्कटॉप पे थी, कोई भी उठा लूँ, चाहे एक्सएमएल वाला चाहे एक्सेल वाला, तो मैं एक्सेल वाला उठा लेता हूँ। अब मैं सबमिट कर दूँ सत्यम? हाँ सर। दोबारा नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट बुरा नहीं मानेगी, वो ही नहीं सकता रिटर्न सबमिट क्यों सर? नहीं करेंगे ना, फाइल तो आप कर चुके हैं, वो तो बस आप हम लोग को बता रहे हैं। हाँ लेकिन फिर भी देखो अरे
या मैं इतना डरता नहीं हूँ, ठीक है ना, ना तो तुम डरो। यहाँ देखो पैन नंबर चेंज था, जो मैंने जो फाइल जो चूज की थी उसका पैन नंबर अलग है। देखो लिखा है ना पैन शुड बी सेम होना चाहिए, जो आपका लॉगिन आईडी का पैन है वही होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी आप जो भी गलत भरे हुई है वो उल्टा पुल्टा है, तो इसलिए फाइनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ तक करके मैं बस सबमिट करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को कैसे हमें अपलोड करना है। सर तो अर्जी फर्जी हम लोग भर के करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा ना? अगर तुम्हारा पैन कुछ और है और तुम दूसरे के पैन का, तुम देखो ये मेरा पैन नंबर है, अगर मैं सेम पैन नंबर अगर डाल करके अगर XML जनरेट करता है ना, तब तो अपलोड हो जाता, ठीक है। अच्छा सर, सुरभी को कॉडी क्यों करना होता है? हमेशा कॉडी पूछती है। कैसे सुरभी जी को हमेशा फ्रॉड ही क्यों करना होता है सर? नहीं नहीं वो कह रही थी कि वही चीज वो पूछ रहे थे, अगर पैन नंबर सेम होगा तो चला जाएगा, हाँ, अलग होगा तो नहीं जाएगा, वही चीज कह रही थी। चलिए देखते हैं, कमीशन कल से सब समझ में आ गया, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आपको बस एक लास्ट प्रोसेस आज का दिखा देता हूँ, जैसे सब लोग को चाहिए होगा कि यहाँ पे इनकम टैक्स की ओरिजिनल साइट पे मैं फिलहाल से लॉग आउट कर देता हूँ, इसके बारे में और मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग अपना खुद का पैन रजिस्टर कर लीजिए। सवाल उठता है सर इनकम टैक्स की, कई जैसे बच्चे पूछते हैं मुझे से, सर इनकम टैक्स की साइट पे अपना लॉगिन आईडी रजिस्टर करना सही रहेगा? कहीं ऐसा ना हो टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाइए, वो कुछ नहीं सर, आप इसको लॉगिन नजर रखने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आप रजिस्टर कर सकते हो, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। आप रिटर्न फाइल कभी से भी शुरू करो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने ही रजिस्ट्रेशन बहुत पहले किया था करीबन 12-13 में, लेकिन 16-17 से मैंने रिटर्न में फाइल करना स्टार्ट किया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि जो भी तुम रजिस्टर करना उसका यूजर आईडी पासवर्ड, जो भी यूजर आईडी तो याद ही रहेगा, पैन नंबर है, पासवर्ड बस ध्यान रखना। और अगर मान लो पासवर्ड भी मिस हो भी जाता है तो आपके पास आधार या समथिंग से लिंक होता है, आधार से अगर लिंक रहेगा तो आप आसानी से उसे आधार के थ्रू अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए रजिस्टर योरसेल्फ करने वाले, ओके अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज रजिस्टर योर सेल्फ, अभी अपना पैन नंबर निकाल लीजिए क्योंकि मैं आपका रजिस्टर करने जा रहा हूँ। आप या तो फोटो भेज दो, फोटो किसी व्हाट्सएप कर के भूल गया। अच्छा और किसी का भूल गया आपको व्हाट्सएप? चलिए कोई नहीं, और किसी को बता, किसी को करना है तो बताओ। मेरे एक्चुअली सर पैन और आधार दोनों नहीं मिल रहा है। मेरा पैन आधार दोनों नहीं मिल रहा, कहीं तक के भूल गए अपना। बोलिए हमको आधार नंबर कंफर्म नहीं, कौन सा नंबर डाले हैं? चलिए छोड़िए कोई नहीं, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। सर किसी ने है सर? अब कोच के रखे रहना खेल खेल कोई नहीं। मैं भाई मेरा पैन आधार नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स में होगा ना जो दीपक कुमार सर बोले थे करने के लिए, स्कैन करके रखने के लिए, हमें सबको दिख रहा है ना भाई? पता नहीं दोनों, पता नहीं कहाँ रख दिए, अपना पैन आधार दोनों रख दिए कहीं। हाँ चलिए छोड़िए यही सब कमी है, सबको स्क्रीन देख रही है। यस सर, अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग यूट्यूब पे क्या लिखेंगे, पैन रजिस्ट्रेशन है ना भाई दीपक गुप्ता, तो मैंने कर रखा है ओरिजिनल किसी का, तो मेरे पास है वीडियो, तो पैन रजिस्ट्रेशन का ये वीडियो देखो है, तो पैन रजिस्ट्रेशन का ये जो वीडियो है ये हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो देख लीजिए इससे आप लोगों को काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। Netflix। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को पढ़ना है क्या पैन अप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक पिछला जो हमने वीडियो पैन रजिस्ट्रेशन का बताया है आप लोग को, वो पैन रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो था वो डमी साइट पे था। आज हम लोग इसको ओरिजिनल साइट पे करना सीखेंगे।
तो ओरिजिनल साइट पे पैन कैस्टर होता है, इसे आज हम लोग को देखना है। तो ओरिजिनल क्या भाई, वीडियो की आवाज आ रही है, वीडियो नहीं क्लियर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन, ओरिजिनल पैन को रजिस्टर करने के लिए हमारे पास रियल में क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पैन भी होना चाहिए। अब सही। तो आज का जो हमारा जो केस है वो अनामिका जी हैं, ठीक है ना। अनामिका जी का पैन है जो जिसको हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग को इससे पहले ही बताया था कि पैन को रजिस्टर करने के लिए हमें जाना पड़ता है कहाँ पे, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, उसी साइट पे जाएंगे। आपकी आवाज है? जी हाँ। यस। वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। अब आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा तो कि डमी साइट पे हम लोग जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ओरिजिनल साइट पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या फर्क है, ठीक है ना। तो उसका फर्क भी आपको दिख जाएगा। जो हम लोगों ने पीछे डमी साइट पे किया था वो ओनली फॉर प्रैक्टिस था, बट ये रियल वर्क है। सो जब भी आपको किसी भी नए कैंडिडेट का मिलेगा जिसका फर्स्ट टाइम ITR आपको फाइल करने को मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम ITR करने के लिए सबसे पहले तो उसका पैन नंबर ले लीजिएगा और पैन को पहले रजिस्टर करिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर योर सेल्फ पे। अब यहाँ पे देखिएगा वो बंदा है क्या, इंडिविजुअल HUF है, किसका पैन आपके पास है। तो अगर सामने वाला इंडिविजुअल है, जैसा कि हम लोगों ने इंडिविजुअल का केस लिया है अनामिका, तो इंडिविजुअल और कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल्स मांग रहा है, जिसमें सबसे पहले पैन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पैन भर देता हूँ। तो ये जेन्युइन पैन होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए हम लोग CBDT की साइट है एक तरह से, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो उनके पास सारे पैन की डिटेल होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सरनेम, बांडे, मिडिल नेम कुछ नहीं है, फर्स्ट नेम है अनामिका, डेट ऑफ बर्थ है 31, और ध्यान रखिए वही डेट भरेंगे जो आपका पैन पे है। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट ही है मैक्सिमम, आपको केस ध्यान रखिएगा रेजिडेंट का ही मिलने वाला है। तो कंटिन्यू, कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, अब देखिए इसमें देखिए कितने स्टेप्स हैं। स्टेप वन इंटर बेसिक डिटेल हो गया था, अब हम लोग सेकेंड वाले स्टेप में है। पहला स्टेप हमने कर लिया बेसिक डिटेल्स, अब सेकेंड स्टेप में है यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, सबसे पहले पासवर्ड आप सेट करिए। तो पासवर्ड के लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। पहला तो ये एस्ट्रिक जहाँ पे है वो मैंडेटरी है, पासवर्ड केस सेंसिटिव है, पासवर्ड नीड टू बी 8 to 14 कैरेक्टर, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर एंड मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट वन अल्फाबेट, वन नंबर एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ पासवर्ड, पासवर्ड में स्पेस मत दीजिएगा। The password and the confirm password should be the same. The primary email ID and primary mobile number will be used for all future communication. जो prime, देखो दो चीज मांगता है, primary email ID and primary mobile number. वो वही होना चाहिए जिसमें आपका communication कल को होना है. Please ensure you enter them correctly. सब ये सब चीजें सही सही भरिएगा. अब देखिए यहाँ पे password. Password मैं एक बना देता हूँ, जाहिर सी बात है password मैं आपके सामने बोलूंगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये पासवर्ड मैं खुद से बना रहा हूँ। कंफर्म्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन है कल को, सर पासवर्ड पिन रीच का है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर। हाँ पासवर्ड क्या बोल रहे हो सर, पासवर्ड कितने डिजिट का है, ये कितने अंक का? कम से कम 8 डिजिट होना चाहिए। 8 डिजिट होना चाहिए। इसमें इसमें आपको स्मॉल लेटर का भी ख्याल रखना है, मतलब अल्फाबेट भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, डिजिटल अल्फाबेट दोनों होना चाहिए। हाँ, और अल्फा वो क्या नाम है, स्पेशल कैरेक्टर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। हाँ, गाइडलाइन देखकर ही पासवर्ड आप लोग सेट करिएगा, सब देख करके उसको रिकवर कर सकते हो।
तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे अच्छा होगा व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम. तो फर्स्ट स्कूल नेम ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेकंड सीक्रेट क्वेश्चन व्हाट इज योर फेवरेट टाइम पास. अब देखिए यहाँ पे शो योर करेक्ट आंसर अगर देखना चाहते हो देख लो. अब इसके बाद क्या है लैंडलाइन नंबर अगर है तो दे दीजिए. नाउ फैक्स नंबर प्राइमरी मोबाइल नंबर. नेक्स्ट क्या है अब देखिए यहाँ पे लैंडलाइन नंबर फैक्स नंबर प्राइमरी मोबाइल नंबर. तो प्राइमरी मोबाइल नंबर आप ही का होना चाहिए. नाउ प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू ये किसका है इनका खुद का है तो सेल्फ लगा देते हैं ठीक है ना. सेकेंडरी में नेक्स्ट का लिख सकते हैं. सपोज करिए मैं टैक्स ऑफिसर हूँ या मैं सीए हूँ मैं इनका रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा और लिख दूंगा यहाँ पे क्या है. अब देखिए है कौन मैं क्या हूँ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे ऑथोराइज किया है इनका रिटर्न. वैसे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए होता है जो 18 साल से कम वाले होते हैं ठीक है ना. रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स भी डाल सकते हैं. क्लियर है क्या ए रिटर्न इंटरमीडिएटरी हैं हम. क्लियर टीआरपी याद होगा टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर मैं इनका रिटर्न फाइल करता हूं तो मैं टीआरपी हूं. फिलहाल तो कुछ नहीं मैं इनका सिर्फ सेल्फ में डालता हूं ठीक है. बाद में ये चाहे तो इनको अपडेट कर सकते हैं. मान लीजिए बाद में ये चाहते हैं कि अपना अपने फादर का नंबर इसमें अटैच कर दें या किसी और का नंबर अटैच कर दें तो कल को ये कर सकते हैं है ना. एडिट हो सकता है इसमें डिटेल्स. तो फिर अब पूछता है क्या ईमेल आईडी. प्राइमरी ईमेल आईडी मस्ट है भरना है ना. तो प्राइमरी ईमेल आईडी भर लेते हैं. ये हो गया इन सेकेंडरी भरना है तो भरिए नहीं भरना है तो आगे बढ़िए. नाउ नेक्स्ट कंट्री. कंट्री में ठीक है इंडिया. फिर फ्लैट डोर बिल्डिंग ये आपको बताना पड़ेगा. एड्रेस ये सब अपने आप पकड़ रहा है. पहले ये सब हमने खुद डालना पड़ता था अब ये सब देखो खुद अपडेट होके आ रहा है. एड्रेस के अकॉर्डिंगली अपने आप आ जाता है. एड्रेस के अकॉर्डिंगली okay, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू. जैसे इसमें देखो यहाँ पे कह रहे हैं OTP 1 will be sent to your mobile number and OTP 2 will be send your mail ID. These OTP are required to complete your registration process. Registration process mein dono zaruri hoga. Hai na? Ensure that given primary mobile number and email ID are correct. If you are non-resident only, OTP will be sent only to your primary mail ID. Theek hai na? Agar non-resident hote hain, to OTP sirf aur sirf mail ID pe jata. Click on confirm button to proceed further. अब यहाँ पे हम लोग का OTP डालना है ईमेल का. तो ईमेल का OTP जो आया है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं. और यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे मोबाइल की OTP. One minute. Okay, repeat. Now next mobile OTP. Now it's validate. Okay. Now it's confirmed. Clear. So Steph, registration is successful. Thank you for registration e-filing. Okay. Your user ID is this one. आपका जो पैन नंबर है वही आपकी यूजर आईडी हो गई है. और एंड कंफर्मेशन ईमेल सेंड टू योर दिस मेल एसएमएस इन केस ऑफ प्लेस क्वेरी. पहले क्या होता था पहले आपके मेल पे एक लिंक भेजते थे लोग और उस लिंक पे जब क्लिक करते थे तब आपका मेल तब आपका ये यूजर आईडी एक्टिवेट होता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अभी अभी तुरंत वेरीफाई किया उन्होंने. वेरीफाई कैसे किया आपसे ईमेल पे ओटीपी मांगा मोबाइल पे तो अब मेल्स के जरिए लिंक से एक्टिवेशन नहीं होता है. यानी अब एक्टिवेट हो गया है
अब सीधे लॉग इन करने के लिए आप क्लिक हियर करिए। ओके, अगर आपको ये विंडो नहीं समझ में आती है तो फिर से मैं होम पे आ जाता हूँ। तो याद होगा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आए थे। अब हम लोग को रजिस्टर नहीं करना है, हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं अपने पैन को। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, लॉग इन। जी हाँ, लॉग इन करते हैं। अब यहाँ पे यूजर आईडी में आपका पैन नंबर होगा पासवर्ड जो मैंने डाला था पासवर्ड में डाल देता हूं। कैप्चा GU3ERL। ओके, अब देखिए यहां पे सबसे पहला चीज देखो क्या आ रहा है, लिंक आधार। अपने आधार को आप क्या करिए, इससे लिंक कर लीजिए। किससे लिंक कर लीजिए, अपने इस पैन से, क्योंकि पैन से लिंक रहेगा तो कल को आप रिटर्न वर्टर्न फाइल करेंगे बहुत ही स्मूथली आपका रिटर्न फाइल होगा। तो ये पहले ही आ जा रहा है। हालांकि ये देखो आधार, पहले तो पूछ रहा आधार नंबर, फिर बोल रहे आधार आपका नाम क्या है उस पे आधार पे ये आप यहाँ पे टाइप कर दो। आई हैव ओनली ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन आधार, तो यहाँ पे टिक करिए, वरना ये दोनों भर करके सीधे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार UDI। अभी तुरंत लिंक करना चाहते हैं कि बाद में, तो अगर हम बाद में करना चाहते हैं तो लेटर पे क्लिक करेंगे, हमारी स्क्रीन ये खुल गई। अनामिक, अब आज के समय में रिटर्न फाइल करने के लिए पैन आधार से लिंक होना जरूरी है, बिना आधार के लिंक हुए आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा, रिटर्न फाइल नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग? तो ये अनामिका जी का देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, इंडिविजुअल है ये। और देखिए हमेशा आपको सेशन 15 मिनट का मिलता है, अगर ये 15 मिनट तक मैंने स्क्रीन छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया, कोई एक्टिविटी किसी पे क्लिक नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। इट इज फॉर योर सिक्योरिटी। हालांकि मैं जैसे ही मैं कोई नया काम करूँ, देखिए 13 मिनट हो रहा है ना, मैं जैसे ही रिटर्न में गया फिर से मुझे 15 मिनट मिल गया, फिर से 15 मिनट का सेशन चलने लगा ना हर एक्टिविटी। अच्छा, तुम लोगों को पता चल गया ना, अभी पहले 15 मिनट का था, अब तो 45 सेकंड का दे रहा है, 45 मिनट का, सॉरी, अब काफी समय दे रहे हैं ये लोग, पहले 15 मिनट में ही करते करते वो 15 मिनट आपको मिलते रहते। अब रिटर्न फाइल करना है 18-19 का असेसमेंट ईयर है, रिटर्न को कौन सा फाइल करना है, ITR1 आपको पता है, ITR1 ऑनलाइन भी होता है, पता है ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड, ओरिजिनल फाइल करो कि रिवाइज फाइल करो, तो ओरिजिनल। फिर यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर अपलोड XML। तो हम लोग देखिए XML अपलोड मैं आपको बता दूं एकदम क्लियरली, भले हम लोग पढ़ते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ITR1 एंड ITR4 ऑनलाइन ही करना सबसे बेहतर होता है। ऑफलाइन अपलोड करने से ज्यादा बेहतर है क्या, आप ऑनलाइन सीधे प्रिपेयर करिए। ऑनलाइन प्रिपेयर करने पे ये आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, ऑलरेडी जनरेट EVC या आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर, बाद में मैं वेरीफाई कर लूंगा, रिमाइंड में बाद में रिमाइंड मुझे करा दीजिएगा। नीचे वाला केस कब हम करेंगे, जब हमें ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करना है, हम चाहते हैं ITR-V डाउनलोड करना, क्या करना, ITR-V डाउनलोड करना और उस पर मैं सिग्नेचर करके मैं इस एड्रेस पे भेज दूंगा, यानी मेरा ITR तभी मेरा चेक होगा जब मैं ITR-V उनको पोस्ट करके वहां जब पहुंचेगा तभी मेरा ITR चेक होगा, उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं, वरना फिलहाल तो अभी बाद में हम लोग देखेंगे, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कैसे भरना है, फिर हमें नेक्स्ट शीट पे जाना है, नेक्स्ट शीट पे जाना। अब देखिए ऑनलाइन वाला हम लोग बाद में समझेंगे, तो मैं वापस आ जाता हूँ टॉपिक पे। फिलहाल तो सबको रजिस्टर करने आ गया, रजिस्टर करने सबको आ गया है ना, अपना पैन कैसे रजिस्टर करना है। यस सर। ठीक है, तो ये था टॉपिक, मतलब कि कैसे हम अपना पैन रजिस्टर करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे। अभी तक हमने XML फाइल को अपलोड करना सीखा, अब ये XML फाइल सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? XML हम, अब देखो कोई आपसे कहता है कि जावा यूटिलिटी से करके दिखाओ, एक्सेल यूटिलिटी से करके दिखाओ, तो दोनों में से किसी में से भी कर लोगे ना? यस सर, दोनों करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जावा यूटिलिटी से करना है। वंस अपॉन अ टाइम इन मतलब कि अपने इंस्टीट्यूट में पूछा था, और निखिल सर बोल रहे थे कि नहीं जावा से करना है, हम कह रहे हम तो सबको एक्सेल ही सिखाते हैं, जावा हमने किसी को नहीं सिखाया था,
तो जब से ये वाकया हुआ तब से मैं एक्सेल और जावा दोनों पढ़ाने लगा। ठीक, कुछ खास तो है नहीं, जावा हो जाएगा, सो हो जाएगा ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक।